नमस्कार, प्राग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। रीवा में नई शराब दुकान बंद कराने को लेकर शिवसेना ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा में नई शराब दुकान खुलते ही जनता में आक्रोश नजर आ रहा है। तो वहीं शिवसेना पार्टी ने शराबबंदी को लेकर अपना समर्थन दिया है। शिवसेना पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि रीवा नगर में विभिन्न स्थानों पर नई शराब दुकान खोली जा रही है। रीवा शहर में भीड़ भाड़ वाले आमजन निवास व्यापारिक क्षेत्र हैं। SF चौराहा महामृत्युंजय कॉम्प्लेक्स के सामने कन्या विद्यालय, दो अन्य विद्यालय, जिला अस्पताल, प्राचीन मंदिर है। इसी तरह शहर का आमजन निवास व्यवसाय केंद्र, PK स्कूल, अन्य विद्यालय, जहाँ पर कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो रहा है। पार्टी की मांग की शराब दुकान को बंद करने की कृपा करें ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। आइए सुनते हैं शिवसेना पार्टी के पदाधिकारियों ने क्या कहा। रीवा से रोहित पाटिल की रिपोर्ट। नहीं आ रहा है, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग है? रीवा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में नई दारू की दुकानें खोली जा रही हैं और ऐसी जगह में खोली जा रही हैं जहाँ पर सामने ही कन्या विद्यालय हैं और कई कई विद्यालय संचालित हैं, हॉस्पिटल है और मंदिर है, देवालय वहाँ पे है, किंतु वहाँ पे इस तरह दारू की दुकानें खोली जा रही हैं। इससे रीवा में शांति भंग होने की संभावना है और राहगीर और बच्चों के साथ गलत वहाँ पे कृत्य होने की संभावना है। शासन प्रशासन वर्तमान टाइम पे काफ़ी सक्रिय है और बुलडोजर मामा के नाम से शिवराज सिंह प्रसिद्ध हैं, किंतु जिस तरह से बुलडोजर गिरा रहे हैं, चला रहे हैं वो रेपिस्टों के ऊपर, यदि दारू की दुकान गली गली खुलवाएंगे और आप जिसको अपनी भांजी कहते हैं, भांजे कहते हैं, यदि उनके साथ बलात्कार होगा तो इसका गुनाहगार कौन होगा? इसका गुनाह क्या शिवराज सिंह चौहान होंगे? बिल्कुल वही होंगे। तो पहला डोजर तो मैं शिवसेना मांग करती है कि शिवराज सिंह चौहान के बगले पे ऊपर पहला बुलडोजर चले ताकि प्रदेश को एहसास हो कि रेपिस्ट आम जनता नहीं है, रेपिस्ट शिवराज सिंह सरकार है। एक तरह तो महंगाई बढ़ा रही है, दूसरी तरह रेपिस्टों की संख्या में दारू पिलाकर वृद्धि करेगी। हर सामानों में मूल्य वृद्धि हो रही है, पेट्रोल में, डीजल में, रसोई गैस में, हर चीज़ों में, लेकिन दारू में रेट क्यों गिर रहा है? यदि दारू में रेट गिर रहा है, दारू ज़्यादा बिकेगी, ज़्यादा लोगों की मानसिकता में गिरावट आएगी और इस तरह से अनैतिक कृत्यों में वृद्धि होगी। तो पहला बुलडोजर शिवराज मामा के ऊपर चलना चाहिए।